मुख्यमंत्री को कभी किसी समुदाय का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए। अगर बंगाल की मुख्यमंत्री यह बोलती हैं कि यदि किसी मुस्लिम के घर के ऊपर पथराव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्यों बोलना यह? और क्या यह प्रिजम्पशन है या यह पहले ही एक समुदाय को यानी हिंदू समुदाय को लांछित करने का प्रयास है? इसलिए मुख्यमंत्री को या तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, एक समुदाय कहना चाहिए हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक समुदाय का नाम लेके कहेंगे दूसरे समुदाय के बारे में तो इसका मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं, और यह बंगाल में आज से नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से हो रहा। और ममता बनर्जी जी का सुलभ संज्ञान के लिए डाल देना चाहता हूं, आप बंगाल का इतिहास नहीं पढ़ी? जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946, 17वां रोजा था, सबसे ज्यादा कलकत्ता में हुआ था, रमजान के पाक महीने में हुआ था। याद करिए अभी 2015-16 में क्या होता था, हमारी सेनाएं कश्मीर में सीज फायर करती थी और आतंकवादी हमले होते थे। कौन सा चश्मा चढ़ा रखा है ममता जी आपने? मैं पुनः इस याद दिला रहा हूं, 1946 16th of August, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मोहम्मद अली जिन्ना, द वर्स्ट इफेक्ट वॉज ऑन बंगाल एंड दैट वॉज 17th day ऑफ रमजान। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोहरावर्दी था उस समय बंगाल का गवर्नर, और जिस ढंग से उसने सांप्रदायिक नीतियां की थी, कुछ वैसा ही नक्शा कदम यहां नजर आ रहा है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now